नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी इस वक्त बेहद बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी मोदी स्तर ने मानहानि केस के चलते तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सूरत के सेशन कोर्ट ने 23 मार्च के दिन इस मामले पर अहम फैसला सुनाया था। 2 साल तक के लिए राहुल गांधी को दोषी करार किया गया और बाद में 24 मार्च के दिन लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता ही रद्द कर दी, जिसके बाद सियासत और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आई है। मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है कांग्रेस पार्टी। ब्लैक कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस के नेता और दूसरी ही तरफ बैठकें करके अलग अलग रणनीतियां भी बनाई जा रही है। ऐसे में फिलहाल देखा जाए राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत मिल चुकी है। सूरत की सेशन कोर्ट हाल ही में वह पहुंचे थे और तब सेशन कोर्ट में उन्होंने कुछ दलीलें रखी और इसके बाद राहुल गांधी को थोड़ी सी राहत ये मिली कि अब अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। उनकी अब सजा पर जो रोक लगी हुई थी 1 महीने की, वो अब थोड़ी सी और बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए यहाँ पर सूरत कोर्ट आखिरकार क्या कुछ अहम फैसला सुनाती है, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि वायनाड सीट का आखिरकार क्या। वायनाड सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज है। ऐसे में यहाँ पर सवाल ये खड़े होते हैं कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो आखिरकार यहाँ पर किसे आगे किया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी तकरीबन 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं ये दावे किए जा रहे हैं। अब उनकी सदस्यता को बहाल किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को कुछ अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं, क्योंकि प्रियंका को लेकर अटकलें यही तेज हैं कि वह अमेठी या फिर रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन वायनाड सीट भी राहुल गांधी के लिए काफी खास है, तो ऐसे में यहाँ पर तमाम अटकलें तेज होती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा को अब कहीं ना कहीं मैदान में उतारा जा सकता है। राहुल गांधी की रणनीति सदस्यता पर अगर रुख किया जाए तो यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को कहीं ना कहीं आगे किया जा सकता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद अब कांग्रेस में भारी उथल पुथल देखने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो हाल ही में बीते शुक्रवार के दिन एक बैठक हुई थी 24 मार्च की शाम ही। वायनाड से प्रियंका गांधी वाड्रा के उपचुनाव लड़ने पर यहाँ पर चर्चा हुई। केस की स्थिति के मुताबिक एक फैसला होगा, लेकिन राहुल नहीं तो प्रियंका ही होंगी। दूसरा यहां पर ऑप्शन ये रहा कि जनता के बीच कहीं ना कहीं आलाकमान सोनिया गांधी एक्टिव हो सकती हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद मुद्दे पर पार्टी की गतिविधि से खुद को दूर रखना चाहते हैं और अडानी के मुद्दे पर फोकस रखना चाहते हैं। यानी कि राहुल गांधी की रणनीतियां कुछ इस तरीके से हैं। अब देखना होगा कि 2024 में या फिर जो उपचुनाव होंगे इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहां पर यही दावे किए जा रहे हैं कि कांग्रेस की कमान संभालते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ सकती है। देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आखिरकार प्रियंका के लिए क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं और प्रियंका का खुद का फैसला क्या होगा, ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। Yeah.